बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं जोधपुर से। जोधपुर ब्लू सिटी, जोधपुर सन सिटी। जोधपुर में जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उससे जोधपुर और ज़्यादा सुंदर दिखता है। सो हम करेंगे जोधपुर को एक्सप्लोर, और उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ वेलकम होटल बाय ITC। द होटल इज़ ब्यूटिफुल। बाहर उसका जो एक्सटीरियर है वो बहुत सुंदर है। राजस्थान का जो कल्चर है उस हिसाब से उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से रूम में रुकी हूँ। लेट्स गो। और ये ब्यूटिफुल वे इज गोइंग टू माई रूम। सी द प्लेस, दिस इज विला। विला जो है वो है वेलकम होटल, जिसमें ब्यूटीफुल दो ऐसे विला है, प्राइवेट पूल आउटसाइड एंड दिस इज द ड्राइंग रूम जहाँ पर मैं हूँ, दिस इज द डाइनिंग एरिया। हाउ गॉर्जियस। फैमिली हॉलीडे के लिए तो बहुत प्यारी जगह है, ऊपर से विंटर्स में, इवन विंटर्स नहीं भी है, इतनी राजा शाही एकदम फील है यहाँ पर रहने का। इस वे ये पूरा ड्रेसिंग रूम है आगे। After the room tour, ये है चिंकारा the cafe, और ये है राजस्थानी food। Wow, delicious। यानी दिखने में भी इतना tasty लग रहा है कि पता नहीं खाने के बाद तो क्या ही होगा। पूरी राजस्थानी थाली, अगर ये थाली दिन की शुरुआत में खाने को मिल जाए, उसके बाद दिन कैसा जा सकता है, आप तो सोच ही सकते हो। तो यहाँ delicious थाली में है रोटी, वेजिटेबल्स, दाल, पुलाव, रायता, मावा कचोरी, ये जो है वो राजस्थानी स्पेशल स्वीट है, गट्टे की सब्जी जो मुझे बहुत पसंद है। आई कांट वेट एनी मोर, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ गट्टे की सब्जी से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आई हैव, बटर मिल्क। ये होता है संपूर्ण भोजन। होटल से सीधा निकल के मैं आ गई नई सड़क पे। नई सड़क बहुत ही ज़्यादा ताम झाम वाला एरिया है, ट्रैफिक वाला एरिया है। पूरा शहर एकदम झूम रहा है ट्रैफिक से, इवनिंग का टाइम है, और यहाँ पर जनता स्वीट होम, विच इज़ वेरी फेमस स्वीट शॉप इन जोधपुर, नई सड़क पे जाके ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। तरह तरह के नमकीन और मिठाइयाँ। शाही समोसा बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर भीड़ देख लो। और सामने है सरदार मार्केट घंटाघर, राइट उसके सामने है शाही समोसा। देखते हैं ज़रा, बन रहा है गरम गरम मिर्ची बड़ा, इसकी जो खुशबू है मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। और हाँ, शाही समोसा में लोग आके ज़रूर एक बार ना भूख होते हुए भी ज़रूर ट्राई करते हैं, तो बनता है ना। लेट्स गो देयर। ये है प्रोसेस समोसा बना, देखिए ज़रा, देख के ही खाने का मन हो रहा है ना। इसके साथ चटनी नहीं आता है पता है आपको, और समोसा खुद ही इतना ज़्यादा टेस्टी है कि चटनी की ज़रूरत नहीं। अगर मार्केट में आके श्री मिश्रीलाल होटल की लस्सी नहीं पी तो फिर दिन अधूरा ही रह जाएगा। गर्म दूध, दूध जलेबी, दूध पीणी, वाह वाह वाह, मिश्रीलाल होटल मक्खन या लस्सी, वाह। इसके ऊपर ठीक मक्खन है। तो सरदार मार्केट जो है वो फेमस है हैंडीक्राफ्ट की चीजों के लिए, रोज बरोज की सारी चीजें मिलती है, और टूरिस्ट सबसे पहले यहाँ जरूर खींच के आता है। बंदे जो यहाँ का कल्चर होता है, उसके जो ट्रेडिशनली जो उसके क्लोथ्स होते हैं जोधपुर के राजस्थानी लुक वाले, ऊपर से ब्यूटीफुल सारी ज्वेलरी जो ऑक्सीडाइज और ट्रेडिशन होता है, ऐसी ज्वेलरी यहाँ पर मार्केट जहाँ मिलता है, तो वहाँ जाके देखते हैं। ओम गणेश एक्सपोर्ट हाउस, ये पूरा हैंडीक्राफ्ट से लेके हम अंदर जाके ज़रा चेक करते हैं क्या है उनके पास। अपने बना के इट्स अ प्री ओन्ड, इट्स बीन यूज्ड अर्लियर एंड वी सेल दैट, वी अप्रिशिएट द हैंड वर्क, दैट्स व्हाई वी आर सेलिंग इट आउट। इट्स ऑल एम्ब्रॉयडरी डन बाय हैंड, दिस सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इफ इट इज डन टुडे यू नीड टू पे अ लॉट मोर अमाउंट ऑफ मनी, एंड पीपल डजंट हैव अ पेशेंस टू मेक सच सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी टुडे,
because the minor detail of embroidery is great into it. They're so different, but ye yahan ki pattern hai, yahan ki design is shibori print. I love the design. Pura set sirf 900 rupees ka. Isn't it okay? Shrug aur niche ye pajama. You can wear t-shirts inside and there are a lot of more designs also. Mujhe ye cheez badi interesting lagi jo unhone batayi. Afghanistan se saalon pehle, years back, 70, 80, 100 years back, log aate the aur कपड़े अपने देके जाके स्पाइसेस खरीद के जाते और आज भी ये सारे क्लोथ बेचते हैं ये लोग क्योंकि ये बहुत ही डिज़ाइन जो एकदम यहाँ की अब देखिए ज़रा नज़दीक से भी जो उन्होंने समझाया कि ये वर्क करने में महीनों लग जाते एक एक कपड़ा बनने में और आजकल लोगों को इतनी पेशेंस नहीं है जैसा इन्होंने बताया सो वो टाइम पे कपड़े आज भी बिकते हैं और लोग खरीदते भी हैं एंड द टॉप 900 रुपीस बट इट्स सुपर डिज़ाइन पैचवर्क टेक्सटाइल एक पूरा पैच से बना हुआ ये है इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना घर में पिंक कलर सो ब्यूटीफुल बताए पूरा ये जो है वो 1000 रुपीज़ का है यानी यही सारी चीज़ें अगर आप मेट्रो सिटी में लेने जाते हो काफ़ी महंगी पड़ती है एंड दैट्स वाई पीपल बाय इट फ्रॉम हियर इन जोधपुर This is Om Ganesh Export House. They have beautiful collection. Inka ye detail hai. You can take a screenshot and come over here, Mr. Kush Jain. Chess hai na ye? Haan, camel bone ka hai. There is one more shop, Baba Art Emporia. ये भी घंटाघर जो मार्केट है उसके अंदर ही है They have beautiful designs even traditional wear और घर में सजाने के लिए प्यारे सी चीजें ये हमारा पूरा कुर्ती का सेक्शन है इसके अंदर इसमें सब वन पीस वगैरह कुर्ती पीसेस Wow, see the collection. They have like anything. क्या चाहिए आपको बांधनी साड़ी और सूट छोटपुरी जैकेट हैंड ब्लॉक प्रिंट्स के बनते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं पहनने में यानी जीन्स टी शर्ट के ऊपर बस जैकेट भी पहन लिया लुक अमेजिंग सी द डिजाइन वाओ 3850 सेम प्राइस का 3850 अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको निक जोनस की जूती आपने बनाई हां इन्होंने बनाई सच्ची हां ऐसा कैसे हो गया ये कुछ आर्टिस्ट लोग है ना खुद घरों में बनाते हैं वाह जोधपुरी जूती जोधपुर इज फेमस फॉर जूतियां जूते दो पैसे दो जूते लो पैसे दो हाँ, पैसे दे के जूते ले जाए यानी अभी मैंने जो ड्रेस पहनी है ना एक्चुअली क्या है जूतियां बहुत सुंदर लगती हैं बट आपको पता है इसको माई लेग कंडीशन मैं अभी कुछ पहन नहीं पाती हूँ ज़्यादा बट दिस इज ब्यूटिफुल हाउ प्रिटी वेरी नाइस मेरे पैर में इतना सुंदर लगेगा बट बैड लक प्यारे से झुमके हैं कोई एक प्यारा सा झुमका लेके पहनती हूँ अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर ये है मेहरानगढ़ फोर्ट जिसका ये गेट है इसकी एक एंट्रेंस ओल्ड सिटी में से एक एंट्रेंस उसकी न्यू सिटी में से है तो अभी फिलहाल मैं ओल्ड सिटी में हूँ क्योंकि मुझे जाना है ब्लू सिटी विच इज़ वेरी फेमस क्यों फेमस है पता है ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसका ये है फतेह पोल गेट और उस गेट का निर्माण किया है राजा अजीत सिंह ने 1719 में 1719 years ago सो अभी हम जाते हैं पहले ब्लू सिटी बिकॉज आई लव द वाइब ऑफ ब्लू सिटी आई मीन क्योंकि ब्लू सिटी है ना वो एक स्पेशली फेमस है जोधपुर में पूरे घर सारे ब्लू कलर के हैं तो एक अलग ही लुक आता है लेट्स गो ये जो तालाब दिखाई दे रहा है वो है पद्मसर यहाँ पर महाराजा लोग स्नान करते थे आके और उस साइड यानी ये जो वॉल है उसकी उस साइड पे है रानी सर जहाँ पर रानी आके स्नान करती थी वाह कुदरत के बीच में स्नान करना क्या फील होता होगा ना अभी तो फिलहाल शांति आसपास छोटे मोटे घर भी है सो अभी फिलहाल मैं हूँ ब्लू सिटी में पता है ब्लू सिटी क्यों बना आई मीन यहाँ के घरों को ब्लू कलर किया जाता था सालों पहले अभी तो कल्चर वैसे काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है द रीज़न जोधपुर में गर्मी सन सिटी क्यों बोलते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो वो गर्मी से बचने के लिए यहाँ के मकानों को ब्लू कलर किया जाता था ताकि सनलाइट की गर्मी से हीट से प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके उनको राहत मिल सके बट अभी क्या है ना कल्चर ख़त्म हो गया है लोगों के घर में एसी आ चुके हैं लोगों ने अपने घर के कलर चेंज कर दिए तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ब्लू सिटी वो मुझे प्रॉपर लुक मिल नहीं रहा है But I was literally waiting to see the city and let me show you from the top. जैसे काफी काफी घर जो है वो ब्लू कलर के अभी भी है बट ये अगर वॉल देखो तो येल्लो कलर की हो चुकी है छोटा सा एक विलेज का फील आ रहा है जो बिल्कुल क्लीन नहीं है सही अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन कलर है टरोल इट्स अ ब्लू सिटी
जो बोला जाता है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना वो है मेहरानगढ़। अभी यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिटी जो है पूरा ब्लू कलर का है, बट मैंने जैसे बताया काफी घरों ने अपने कलर्स चेंज कर लिए हैं, उस वजह से ब्राउन येलो ये भी कलर मिक्स हो चुके हैं, बट स्टिल इट्स लुकिंग स्टनिंग ब्यूटीफुल सुंदर एकदम ब्लू ब्लू सी। ये पार्ट जो है ये तो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर भी कुछ कुछ घर यहाँ से मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं हूँ कोजी कैफे, ये ब्लू सिटी में है। मुझे इतना प्यारा सा कैफे दिखा, ऊपर लिखा था कोजी कैफे, तो मैं उसमें आ गई अंदर। मैंने देखा पूरा रूफ टॉप पूरा ब्लू कलर का कैफे, बट अभी फिलहाल कोविड के बाद उन्होंने बंद कर दिया, रिनोवेशन चल रहा है। इट्स काइंड ऑफ होम स्टे, दे हैव लॉट ऑफ रूम्स ऑल्सो टू स्टे, और बहुत ही प्यारा कैफे है। यानी छोटे छोटे रूम है विद अटैच टॉयलेट बाथरूम एवरीथिंग, और एक गली में अंदर से कैफे है पूरा ब्लू कलर का है। जो आपने व्यू देखा ऊपर से पूरा, वाह अमेजिंग प्लेस। बट बहुत जल्दी वापस चालू होगा कोजी कैफे, जरूर इंक्वायरी करना कभी यहाँ पर आते हो तो। यहाँ पर उनके रूम 1000 रुपीज, अटैच बाथरूम एंड ऑल, 3-4 लोग आराम से रह सकता है। एंड अभी बस मार्च से शुरू हो रहा है वापस कोजी कैफे। कितना दूर है ये वैसा? ये 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। एक्चुअली आपने लास्ट शॉट देखा, मैं थी ब्लू सिटी में, वहाँ से जुप से अपनी शेडी निकाली और हम आ चुके हैं जोधपुर से 50-60 किलोमीटर दूरी पे। ये है जोधपुर का एक गांव पुरखावा, भीलों की ढाड़ी चिचड़ली। चिचड़ली जो उसकी यानी पंचायत पड़ती है यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पे देखे पैर पैर अंदर पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के गांव में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये लोग है ना, अभी छुट्टी के बाद उनका जब यहाँ से स्टडी खत्म हो जाएगा, उनके प्यारे से विलेज है जहाँ हम जाएंगे, वहाँ पर सब आएंगे, तो वहाँ पर जाएंगे। अभी देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं वो लोग। हाँ क्या पढ़ते हो हैं? अपने प्रधानमंत्री कौन है बताओ, पता है प्रधानमंत्री कौन है पता है? बोल ले, तुम्हें पता है प्रधानमंत्री कौन है? किसको पता है प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पर इंडिया में? क्यों नहीं पता इनको? चुपके से बाहर आ जाओ जरा इधर। नरेंद्र मोदी, वाह वाह वाह, तालियां तालियां, जोर से। किसने जवाब दिया? कौन करता है रोज हाथ ऊपर? रोज जो सच बोलने का, रोज ब्रश कौन करता है? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। हम तो दिन में 2 बार करते हैं। अब तो वो दातुन आता है ना, दातुन करते हो? नहीं करते हो? अच्छा कितनी बार करते हो एक हफ्ते में? एक हफ्ते में ब्रश कितनी बार करते हो? 1 बार 2 बार 3? तुम कितनी बार करते हो? नहाते कितनी बार हो हफ्ते में? देखो जरा, कोई नहीं बोल रहा, ये गलत है। मुझे दुखी मत करना, मैं दुखी होके नहीं जाऊंगी। कितनी बार नहाती हो बेटा? रोज नहाती हो? महीने में 1 बार नहाती हो? रोज नहाते हो? या 3 बार? कौन बोला? तुम बोली नहाती हो रोज? ये थोड़ी साफ सुथरी लग रही है, इसके हाथ भी अच्छे लग रहे हैं। देखो ये क्रीम लगाती है, लगाती है तेल लगाती हो ना? हाँ ये लगाती है, समझ में आता है। तुम लोग नहीं लगाते हो। मेरे को याद करोगे? मुझे याद करोगे? मैं मिलना ही थी, याद करोगे ना? हाय है ना? अभी सब अभी सबको अच्छे अच्छे कपड़े दूंगी, टी शर्ट जीन, लेकिन एक ही शर्त पे, तेल लगाने का ऐसे हाथ पे सब जगह अच्छे से। रोज याद करना मुझे, दीदी आके बोला था ब्रश भी करने का, क्योंकि लंबा जीना है ना सबको, हेल्दी। फिर तू क्या देख रहा है? बोलो। इतने प्यारे बच्चे हैं और स्कूल के, उन लोगों को बड़ा एकदम सरप्राइज हो रहा है कि कौन मैडम आ गए। स्वरूपणी स्वरूपणी बिल्कुल स्वरूपणी नहीं दिख रही है, बराबर? अभी अभी काली काली दिख रही है, अभी स्वरूपणी को हम गोरी करते हैं, ठीक है? तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, है ना? नहाने का धोने का अच्छे से टाइम लगा रही, सुंदर बनने का। हसो सुबह मेरी जोधपुर सिटी में, और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं जोधपुर के एक विलेज में, जहाँ पर हूँ मैं, इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज, और आपने तो देख ही लिया सब कुछ। कैसा लगा? अच्छा लगा? सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। अभी भी मिलेंगे एक और बार राजस्थान में नेक्स्ट एपिसोड में, देखना मत भूलना, जरूर देखना। मिलते हैं बहुत जल्दी, गुड नाइट, लव यू ऑल गाइस, बाय।